अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ हम ठीक ठाक होंगे। तो जी, मैं जो है ना सुबह लंच करना है, लंच का टाइम नहीं है, ब्रेकफास्ट का टाइम है। तो मैंने अपने बेटे को आज उसका हाफ डेट है, मैंने उसको चिप्स और चॉकलेट दे दिए थे लंच बॉक्स में। बस उसके बाद मैं घर की सफाई में लग गई थी, तब मेरा इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, काफ़ी गंदा हो गया था। तो मैंने सोचा उसको ना मैं क्लीन कर लूँ। मैं इसे इसी तरीके से क्लीन करती हूँ कि मैं ना आँच तेज़ कर देती हूँ तवे के नीचे, इसके ऊपर जो गंदगी होती है ना इससे ये आसानी से हट जाती है। तो इस तरीके से है ना साफ़ हो जाता है। थोड़ा सा ये कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया था इस दफ़ा, ऐसे तो मैं महीने में एक दफ़ा कर देती हूँ, लेकिन इस दफ़ा भी ज़्यादा गंदा हो गया था। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी मुझे, करते करते ना मेरे हाथों में दर्द हो गया था। तो बस ये मैं कर रही थी इस टाइम। तो ये इसी तरह क्लीन होता है इस तरीके से सारी सीखें हो जाती है। उसके बाद मैं बना रही थी नाश्ता, तो हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही थी। बस आज का मैं उनको ऑमलेट दे रही हूँ। मैं प्याज और टमाटर काट के उसमें एक हरी मिर्ची डाल देती हूँ। इसमें मैं कोई और मसाले वगैरह नहीं डालती हूँ, ज़्यादा हुआ तो मैं इसमें ब्लैक पेपर डाल देती हूँ, और इसके अलावा मैं इसमें कुछ नहीं डालती। बस इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके ना मैं तवे पर डाल दूँगी, तो बस ये हमारा ऑमलेट रेडी हो जाएगा। साथ में चाय बना दूँगी। हस्बैंड को नाश्ते में पराठा नहीं देते, मैं वो रोटी लेते हैं, तो बस उनके लिए रोटी बना दी थी मैंने। उसके बाद वो जो है ना लेट उठते हैं, तो उनका ब्रेकफास्ट होता है और हमारा लंच होता है। तो बस मैं लंच बना रही हूँ अपने लिए आलू के पराठे, क्योंकि मैंने बेटे को अपने सुबह स्नैक दे दिए थे। तो बस वो जब आएगा तो उसको भूख भी लगी होगी, तो बस मैं उसके लिए जो है ना आलू का पराठा बना देती हूँ। और उसको ये बेहद पसंद है, बहुत ज़्यादा उसका ये फेवरेट है आलू का पराठा। आप उसको लंच बॉक्स में दो या फिर गरम गरम पराठा लंच में दो, डिनर में भी उसको दो तो भी खा लेते हैं। उसको तीन टाइम आप पराठा बना के दो ना तो शुरू से खा लेते हैं। तो बस मैंने उसके लिए बनाया था आलू का पराठा, साथ में बना रही हूँ चटनी। मेरे बेटे जो है आलू का पराठा ऐसे खाता है बगैर चटनी के, लेकिन मुझे चटनी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये जो है आप देख रहे हैं, मैंने घर पर ही बनाया हुआ है, मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि मैं दही कैसे बनाती हूँ। तो बस दही हो गया, चटनी हो गई, साथ में गरम गरम पराठे हो गए। तो हमारा मज़ेदार से जो है ना ये लंच हमने इंजॉय किया था, और ये बहुत मज़े का लग रहा था। बस उसके बाद फिर डायरेक्ट शाम के टाइम पे आ जाते हैं। मेरी बेटी ने जो है ना आलू का पराठा, उसको इतना कुछ पसंद नहीं आया। बस हर बच्चे की अपनी पसंद होती है, मेरे बेटे को बहुत अच्छा लगता है। मेरी बेटी को चावल या चावलों से बनी हुई कोई चीज़, ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। वो ये रोटी से बने हुए पराठे वगैरह शौक से नहीं खाती है। उसको पुलाव दे दो, उसको दूध वाले चावल बना के दे दो तो खा लेती है। तो बस इस टाइम मैंने उसके लिए चीज़ बना दिए थे, और ये उसके बहुत शौक से खाए थे, इससे उसका ना पेट अच्छा खासा भर गया था। फिर रात को मैंने बेटी के लिए, दिन को मैंने बेटे की फरमाइश पूरी की, रात को मैंने बेटी के लिए मैंने जो है ना कल की दाल पड़ी हुई थी तो उसके साथ मैंने चावल बना दिए थे। तो ये हमारा डिनर हो गया था। और हस्बैंड जो है ना वो भी चावल नहीं खाते, तो मेरा बेटा भी नहीं खाता है, तो फिर मैं उनके लिए फ़िश बना दी। फ़िश को मैंने मसाला बना के रख दिया था, साथ में बेटे को काम करा रही थी और अपना जो है ना खाना भी खा रही थी। मैं और मेरी बेटी खाना खा रहे थे, बेटा इस टाइम काम कर रहे क्योंकि वो फ़िश खाएगा अपने पापा के साथ। तो बस फिर मैं जो है ना मैं फ़िश को मसाला लगा के पहले से ही रख देती हूँ। मैंने इसमें निकाल दिया था फ्रिज से, ताकि बर्फ़ था तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, तो फिर मैं इसको बना दूँगी। तो बस सिंपल सा मैं इसको मसाला लगाती हूँ, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर कुटी हुई लाल मिर्च, और इसमें ना जो साबुत धनिया होता है वो कूट के डाल देती हूँ, हरी मिर्ची कूट के डाल देती हूँ, लहसुन इसमें डाल देती हूँ, और बस ये सारे मसाले को मैं मिक्स करके इसमें लींबू निचोड़ देती हूँ एक अदद, और थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको फिश पे लगा देती हूँ। इसको फिर मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, जब भी मुझे बनानी होती है तो फिर मैं फ्रिज से निकाल के आराम से बना देती हूँ। इसी के साथ अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा, हमारे चैनल पसंद आ रहा, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा
कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। वैसे अगली सुबह का टाइम है, मैंने चाय पराठा बना दिया था बेटे के लिए, वो थोड़ा सा खाते हैं दोनों हमारे, लेकिन मैं उसके लिए ज़रूर बनाती हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ कर से खा के जाए। और लंच मैंने उसको मैगी दे दिया था और साथ में एक चॉकलेट, बस इसको ना मैं चेंज करती रहती हूँ, ये लंच बॉक्स जब भी मैं उसको देती हूँ। उसके बाद आ गए हम डायरेक्ट शाम के टाइम पर, तो दिन को मुझे लग दिन को मैंने कुछ बच्चों के लिए पास्ता वगैरह बना दिया था, तो बस शाम के टाइम में हस्बैंड ये लेके आए थे समोसे, तो समोसे लेके आए थे साथ में जलेबी लेके आए थे, तो चाय के साथ हमने ये इंजॉय की। तो बहुत अच्छा लगता है कभी कभी नई चीज़ें बंदा खा लेता है बाहर से तो अच्छा लगता है। बस रात के खाने में मैंने बनाई थी कलेजी, साथ में हस्बैंड कलेजी भी लेके आए थे, तो मैं ये भूंगी भी कलेजी में बनाऊँगी। इस टाइम में आपको थोड़ा सा पानी पानी वाली लग रही होगी, लेकिन बस इसको पानी मैंने बिल्कुल सुखा दिया था। प्याज लहसुन और टमाटर को मैं इसको तड़का लगाती हूँ, जैसे प्याज लाल हो जाते थे, फिर इसमें मैं लहसुन डाल देती हूँ और साथ में इसमें टमाटर डाल देती हूँ, इसको अच्छी तरीके से भूनती हूँ। उसके बाद मैं इसमें कलेजी डाल देती हूँ, इसके अच्छी तरीके से भूनने के बाद थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करती हूँ ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए। और इस तरीके से फिर ये मैं ना कढ़ाई में ले आती हूँ, और कढ़ाई में खाने में बहुत मज़ा अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, तो इसलिए मैं कढ़ाई में खाती हूँ, बल्कि मैं रख देती हूँ दस्तरखान पे, सब हम खाते हैं कढ़ाई में, बस अच्छा लगता है हमें। फिर उसके बाद कुछ मीठा हो जाए तो जलेबी जो हस्बैंड लेके आए थे, तो बहुत अच्छा लगता है कि गरम गरम दूध में जब जलेबी आप डिबो डिबो के खाओ तो अच्छा लगता है। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, तो किसी ने नहीं किया हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का लगता है ये, तो हम तो ऐसा करते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैंने दूध उबाल दिया था बच्चों के लिए, तो मैंने सोचा चलो अभी खाना वगैरह तो हो गया तो चलो थोड़ा सा मीठा हो जाए, फिर मैंने इसमें ना दूध में जलेबी डाल दी थी, तो बहुत यम्मी लग रही थी। पहले मैंने इसमें एक जलेबी डाली थी, लेकिन फिर वो मुझे कम लग रही थी, तो फिर मैंने इसमें दूसरी भी डाली थी, ये नहीं है कुछ कचरा, ये थोड़ी सी जलेबी जलेबी थी तो ऊपर आ गई थी, तो फिर मैंने ये उसको हटा दिया था। तो बस ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा स्वीट रेडी हो गए, सिंपल सा बना बनाया घर पर, तो किसी ने ट्राई नहीं किया तो हमने ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही लगता है ये। इसी मज़ेदार से स्वीट के साथ, इसी मज़ेदार से खाना के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग के साथ बहुत जल्द फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।